देखिए, पहले तो जनता को देना चाहूंगी जिसने महागठबंधन को इतने स्पीड लिए, इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया कि कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अहंकारी लोगों के खिलाफ वो खड़े हो गए और ये अहंकार में डूबे हुए बीजेपी ने जो जो किया वो सबके सामने है। और फिर अपने महागठबंधन को जो रणनीति बना गया हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, ये जिम्मेदारी कहराना लोकसभा को सौंपी थी, उसको देना चाहूंगी। मैं सख्त शब्दों में योगी जी की उन शब्दों की निंदा करना चाहूंगी जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी को और चौधरी जयंत जी को जो है उन्होंने कहा कि वो दर दर जाके भीख मांग रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि उन्हें राजनीति का पता ही नहीं है। योगी जी को ये भीख ही मांगनी होती है, मांगने का ही काम होता है। आशीर्वाद मांगता है बंदा जाके जिसके घर जाता है, जब वोट मांगता है तो उससे आशीर्वाद मांगता है। गन्ना और जिन्ना बेचारे तो बहुत दिन हो गए चले गए थे, अब उनके बारे में क्या कहना, वो तो यहाँ देश ही छोड़ गए थे। अब उनकी फोटो को लेके अगर बीजेपी इतनी परेशान है और तो कोई परेशान नहीं है। 2019 में ये गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा, आज से ही बहुत मजबूत है और आज से ही रास्ते हमवार हैं सब जो है 2019 में बीजेपी को धूल चटाने के लिए। अब 9 महीने आपके पास है तो क्या काम आप प्राथमिकता करेंगे? इतने मुद्दे हैं कि हम सब बैठ के रणनीति बनावेंगे और जो है जो संसद में उठाने का मुद्दा होगा उसे संसद में उठाएंगे और जो सड़क पे लड़ने का मुद्दा होगा उसे सड़क पे लड़ेंगे पूरी ताकत और हिम्मत के साथ। है।